हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 30 अगस्त 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। आज की पहली जो न्यूज आई है वो आई है ई सिगरेट को लेके। तो पहले तो हम देखते हैं कंटेक्स्ट और फिर हम आगे की तरफ है वो जानेंगे। तो कंटेक्स्ट ये है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट ने रिक्वेस्ट की है, स्टेट से मिलके, कि भाई आप है वो ई सिगरेट को बैन करने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए कुछ कानून वगैरह है वो बनाइए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं काफी खतरनाक साबित होती जा रही है धीरे धीरे। ये बेसिकली कंटेक्स्ट है। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि ई सिगरेट है वो काम कैसे करती है, कौन सी इसमें मैकेनिज्म या कौन सी चीजें इसमें बेसिकली यूज वो होती हैं। फिर हम इसके बात करेंगे रेगुलेशन की चीज। देखो, ई सिगरेट में सबसे अहम चीज आपको एक तो ये ध्यान रखनी है कि इसमें निकोटीन है, उसकी लिक्विड फॉर्म को यूज किया जाता है। जैसे कि तंबाकू है, सिगरेट वगैरह होती है नॉर्मली, उनके अंदर हम तंबाकू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ई सिगरेट में क्या होता है, निकोटीन है वो यूज किया जाता है। फिर निकोटीन को यहाँ पे वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है हीट की वजह से, और उसके बाद उस जो वेपर या जो आप बोल सकते हो कि जो धुआं क्रिएट किया जाता है उसको बेसिकली स्मोकिंग के तरीके से यूज है वो किया जाता है। तो मतलब ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ई सिगरेट होता है वो एक तरीके से बैटरी पावर्ड है, वो वेपराइजर होता है, मतलब वो वेपर क्रिएट वो करता है। इसमें जो निकोटीन का लिक्विड यूज किया जाता है इसे बेसिकली जूस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है इसलिए। तो ये कुछ बेसिक चीजें हमें यहाँ पे ध्यान में वो रखनी है। अब देखो, आपको बताऊं कि हमारे इंडिया में जो एक्ट है सिगरेट वगैरह को बैन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, वो है कोटपा एक्ट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो कोटपा एक्ट है, COTPA एक्ट 2003, ये बेसिकली जो तंबाकू से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है, मतलब जिन प्रोडक्ट्स में तंबाकू का यूज होता है, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो सिगार हो, या फिर चाहे वो और भी तरह के हुक्का वगैरह, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो जिसमें तंबाकू यूज हो रहा हो, उनके एडवर्टाइजमेंट को रेगुलेट करता है। इसी के साथ ही बात करें उनकी सेलिंग वगैरह है, उनके ऊपर किस तरीके से प्रचार वगैरह करना है, किस क्या क्या उसमें कंडीशंस वगैरह होनी चाहिए, वो सब इसके थ्रू रेगुलेट है वो किया जाता है। और अभी आपको बताऊं कि जो ई सिगरेट होती है इसमें आपको बताया कि तंबाकू यूज नहीं किया जाता, इसमें निकोटीन को यूज किया जाता है, और इसीलिए जो ई सिगरेट है वो इस कोटपा एक्ट के अंडर नहीं आती है, और उसको लेके काफी बड़ा इशू है। तो अभी स्टेट ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट है वो ई सिगरेट को रेगुलेट करने के लिए या तो अलग से कोई कानून बने, या फिर कहीं ना कहीं इस कोटपा एक्ट है इसमें तंबाकू के साथ निकोटीन वर्ड को भी ऐड किया जाए, ताकि ई सिगरेट को भी रेगुलेट है वो किया जाए। अब बात ऐसे करते हैं कि स्टेट ये चाहते हैं कि इसकी एक तो ऑनलाइन सेलिंग है वो मतलब रेगुलेट की जाए, मैन्युफैक्चर होती है उसको रेगुलेट किया जाए, डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ कहाँ पे होते हैं उस चीज को रेगुलेशन या मैन्युफैक्चर उन सबको रेगुलेट करना, इसी के साथ ही जो इसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है या फिर जो एडवर्टाइजमेंट है इन सबको रेगुलेट करने की बात यहाँ पे की जा रही है, ताकि इसका मिसयूज वगैरह ना हो सके। क्योंकि WHO की जो एक रिपोर्ट आती है, ग्लोबल रिपोर्ट, इस ग्लोबल रिपोर्ट 2015 की रिपोर्ट में ये बताया गया कि कहीं ना कहीं जो ई सिगरेट है ना वो एक तरीके से मतलब ड्रग्स वगैरह है, इनके लिए एक तरीके से गेटवे का काम करती है। मतलब स्टार्टिंग में जो यूथ वगैरह है या कोई भी जन इसका किसी का भी आप एग्जांपल ले सकते हो, अगर वो ई सिगरेट का यूज करते हैं तो फिर वो धीरे धीरे बड़े चाइनीज स्मोकर बन सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं ड्रग्स वगैरह है उनकी एडिक्शन उन्हें हो सकती है। तो एक तरीके से ये ई सिगरेट या गेटवे का काम यहाँ पे कर रही है, और इसी को लेकर यहाँ पे रेगुलेट करने की बात है, क्योंकि आज के टाइम पे इसका चलन काफी बढ़ता जा रहा है। कुछ स्टेट है तो खैर से बैन भी कर दिया, जैसे केरला वगैरह ने, और अभी देखा जाए तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसको लेकर काफी स्ट्रिक्ट एक्शन वगैरह लेने की बात है वो कही थी। तो ये भी सारा कंटेक्स्ट था। तो हमने जाना कि ई सिगरेट होती क्या है, इसमें देखो निकोटीन है वो बेसिकली यूज की जाती है। तो एक तो यूपीएससी यहीं पे पूछ सकते हैं कि तंबाकू होता है निकोटीन होता है, तो हमें ध्यान रखना है इसमें निकोटीन होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको बेसिकली जूस या निकोटीन लिक्विड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है एशियन इलेक्ट्रोल स्टेक होल्डर फॉर्म के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि एशियन इलेक्ट्रोल स्टेक होल्डर फॉर्म AESF है, इसका अभी 4th एडिशन है, वो श्रीलंका में होस्ट है, श्रीलंका के द्वारा होस्ट है वो किया गया था। तो पहले तो हम यहाँ पे जानते हैं कि AESF है वो है क्या, इसके बाद में हम इसके थोड़ा बैकग्राउंड के साथ साथ और भी जो इसके एम्स वगैरह हैं उनको डिस्कस करेंगे। देखो बात ऐसी है, थोड़ा बैकग्राउंड के साथ पहले हम देख लेते हैं कि जो एशियन इलेक्ट्रोल स्टेक होल्डर फॉर्म है ये बेसिकली बनाया इसलिए गया था ताकि एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सके, एक मतलब मंच है वो तैयार कर सके कि जो भी इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी होती है वो और जो सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन होती है वो मिलकर काम करें। मतलब सीधी सी बात है कि एशिया के अंदर एक तरीके की ये अपने आप में इस टाइप की बहुत बड़ी या गैदरिंग है जो कि इस तरीके से इलेक्शन के लिए बेसिकली काम है वो करती है। ये क्या करती है, जैसे कि अब तो आपको एग्जांपल के थ्रू हमसे समझते हैं, जैसे कि अभी जो मीटिंग है, जो फॉर्म है उसकी मीटिंग क्रिएट है वो की गई थी 27 और 28 अगस्त को। तो इस मीटिंग में हुआ क्या, एशिया की जो कंट्रीज हैं वो एक्चुअली अपनी डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए या फिर डेमोक्रेसी में इलेक्शन में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रल रिफॉर्म की जरूरत है, इन सब चीजों पे यहाँ पे डिस्कस किया गया। जैसे कि देखो श्रीलंका का जो इलेक्शन सिस्टम है वो कुछ अलग तरीके से काम करता है, इंडिया में कुछ अलग तरीके से काम किया जाता है, इंडिया के चैलेंजेस कुछ और आते हैं क्योंकि यहाँ पे इतनी भारी
पॉपुलेशन होती है तो उसको मैनेज करते हुए इलेक्शन करना काफी मुश्किल होता है। इसके साथ ही श्रीलंका की कुछ और भी इश्यू हो सकते हैं कि वहाँ पे ज्योग्राफिक लोकेशन के इश्यू हो सकते हैं। तो ऐसे इश्यूज होते हैं उनके इलेक्शन के ऊपर, इनके ऊपर डिस्कशन की जाती है, उनके ऊपर जो भी सॉल्यूशन वगैरह हैं उनको डिस्कस किया जाता है ताकि हमारी डेमोक्रेसी है उसको और ज्यादा प्रमोट हो किया जा सके। तो बेसिकली इसमें एशियन कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, तो यूपीएससी ऐसे तो नहीं पूछेगी भाई इंडिया इसका मेंबर वगैरह नहीं है, तो ये तो हमें पता है कि एशिया की कंट्री है तो ऑब्वियसली इंडिया तो इसमें होना ही होना है, ये चीज थोड़ी हमें ध्यान रखो रखनी है। और इससे पहले जो पहला एडिशन था इसका वो बेसिकली साउथ अफ्रीका में किया गया था, तो ये चीज भी थोड़ी हमें ध्यान रखो रखनी है। अभी जो रिसेंटली हुआ है फोर्थ एडिशन वो श्रीलंका में हुआ है, और बाकी इसका पहला एडिशन साउथ अफ्रीका से, साउथ एशिया से मतलब अफ्रीका से स्टार्ट है वो हुआ था। वैसे साउथ एशिया में पहली बार इसको होस्ट है वो किया गया है। अब हम देखते हैं कुछ अहम चीजों की तरफ। सॉरी साउथ एशिया में इसका मतलब पहली बार हुआ है, साउथ अफ्रीका तो ऑब्वियसली एशिया में थोड़ी आएगा, तो वो चीज हमें ध्यान है वो यहाँ पे रखनी है। अब देखो बात ऐसी है कि यहाँ पे इसको होस्ट किसने किया था, तो वो भी थोड़ा फैक्ट बन जाता है। इसको होस्ट किया था श्रीलंका के जो इलेक्शन कमीशन होते हैं उसने, और इसी के साथ ही एशिया नेटवर्क ऑफ फ्री इलेक्शन, इन दोनों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया था ताकि जो भी इलेक्शन को लेकर डिस्प्यूट वगैरह है, जो भी कुछ इश्यूज होते हैं इलेक्शन के टाइम पे चैलेंज फेस किए जाते हैं कंट्रीज के द्वारा, उनका सोल्यूशन लिया जा सके, एक कंट्री से दूसरी कंट्री को सीखने को मिलेगा, ये सब बेसिक चीजों पर यहाँ पे डिस्कस है वो किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिविल सोसाइटी और जो इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज होती हैं वो आपस में कोलैबोरेट करती हैं और कुछ ना कुछ उन्हें सीखने को यहाँ पे मिलता है। इसके साथ ही और जो स्टेक होल्डर होते हैं वो भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं कि भैया आप अगर इलेक्शन को इस तरीके से कंडक्ट करो, ये चीजों को आप ध्यान रखो, तो और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रह सकती है। वो सब चीजों पे यहाँ पे फोकस है वो किया जाता है, और बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको भी फोकस किया जाता है। अब हम देखते हैं AESF के बारे में, एशियन इलेक्टोरल स्टेक होल्डर रिफॉर्म जो प्रोफॉर्म है इसके बारे में। देखो जैसा मैंने आपको बताया कि है लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इट्स काइंड, मतलब इस टाइप का एक अपने आप में बहुत बड़ा ग्रुप है या एक फॉर्म है वो क्रिएट किया गया है। काम इसका यही है कि एक स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन है वो तैयार की जाए इसकी सिविल सोसाइटी और इलेक्शन कमीशन के बीच में, ताकि इलेक्शन को लेकर जो भी क्वालिटी है उसको मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो आया लखवार मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में। तो देखो इस पे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि लखवार मल्टीपल प्रोजेक्ट है कहाँ पे और कौन कौन से स्टेट को इस पे बेनिफिट वगैरह होने वाला है। तो देखो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि उत्तराखंड के देहरादून में जो यमुना रिवर बहती है वहां से बेसिकली लखवार जो प्रोजेक्ट है इसकी स्टार्टिंग की जा रही है, मतलब उत्तराखंड में बेसिकली यमुना रिवर पे प्रोजेक्ट है वो बनाया जा रहा है। और इसमें बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट है और 6 स्टेट हैं उनके बीच में भी MOU है वो साइन हुआ है कि 6 स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर MOU साइन किया है ताकि लखवार मल्टीपल प्रोजेक्ट का बेनिफिट है वो आपस में शेयर किया जा सके। कौन से रिवर पे यूपीएससी ये पूछ सकती है, तो ध्यान रखना है कि यमुना रिवर पे बेसिकली यह प्रोजेक्ट है वो बनाया जा रहा है। अब इसमें देखो कई चीजें हैं, जैसे कि एक तो इसमें जो पावर जनरेट की जाएगी उसके ऊपर भी थोड़ा क्वेश्चन बन जाता है थोड़ा डीपली। जैसे कि लखवार मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है इसमें जो भी पावर है वो जनरेट की जाएगी उसका जो सारा खर्चा वहन किया जाएगा वो क्या जाएगा उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा, और जो बेनिफिट मिलेगा वो भी सारा बेनिफिट है वो उत्तराखंड गवर्नमेंट को ही मिलेगा, मतलब सारा का सारा बेनिफिट उत्तराखंड गवर्नमेंट का ही है। पावर जितनी भी जनरेट की जाएगी जितनी भी कैपेसिटी है उसका सारा बेनिफिट उत्तराखंड गवर्नमेंट को ही मिलने वाला है, वही पैसा खर्च करेगी उसी को इसका फायदा मिलेगा। इसके बाद में बात आती है कि इरिगेशन की, तो इरिगेशन के मामले में ये होगा कि 90% जो पैसा है वो तो देगी सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% जो पैसा है वो देंगे 6 स्टेट, और इसके बाद में इन 6 स्टेटों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट है वो किया जाएगा ताकि आपस में जो भी पानी की कमी है उसको दूर किया जा सके। क्योंकि देखो आज के टाइम पे एग्रीकल्चर है उसके अंदर आपको पता है कि पानी की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, और इसलिए उस पानी की डिमांड को फुलफिल करना है तो हमें पानी का प्रॉपर ढंग से यूटिलाइजेशन काफी जरूरी होता है। और उसी लिए हमें ये ध्यान रखना है कि लखवार मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है वो यमुना रिवर पे बनाया जा रहा है, ये उसके फीचर्स हमने देख लिए। तो एक यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सिंचाई है वो तो 6 स्टेट में डिवाइड हो जाएगी, और जबकि जो भी पावर जनरेट की जाएगी वो केवल और केवल उत्तराखंड को ही मिलने वाली है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो एक आर्टिकल आया है वो है मैथ्यूज प्रिंसिपल के बारे में, जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ को लेके है। तो इस पे यूपीएससी पूछ सकते हैं तो डायरेक्टली मेज द फॉलोइंग वगैरह में कि मैथ्यूज प्रिंसिपल किस रिलेटेड वगैरह है। देखो बेसिकली अभी रिसेंटली चाइना की जो एक वन चाइल्ड पॉलिसी थी उसको भी चाइना ने स्क्रैप है वो कर दिया, मतलब उसको अभी बंद कर दिया उन्होंने। देखो बेसिकली चाइना के द्वारा ये पॉलिसी थी वो लेके आई थी 1979 में,
क्योंकि उस टाइम पे चाइना की पॉपुलेशन या चाइना की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी, इसलिए चाइना ने क्या ये प्रावधान किया कि भाई जो भी कपल है उसको एक ही बच्चा पैदा करने की अनुमति दी गई थी। काफी रिस्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए थे कि जैसे कि बार फोर्सफुली अबॉर्शन वगैरह करवा दिया जाता था, मतलब उनको जॉब वगैरह नहीं दी जाती थी, घर वगैरह में बेनिफिट नहीं मिलते थे, काफी बहुत ज्यादा उसका एक्शन लिया गया था और उसका काफी अच्छा रिजल्ट भी खैर वहां पे देखने में मिला। तो अभी हो क्या रहा है, अभी चाइना की जो मैक्सिमम यूथ है वो धीरे धीरे बूढ़ी होने लगी है, तो इसीलिए अभी चाइना को और ज्यादा यूथ की जरूरत है, तो उन्होंने वर्ल्ड चाइल्ड जो पॉलिसी है इसको स्क्रैप कर दिया है और अब उन्होंने अनुमति दे दी कि दो बच्चे वहां पे पैदा कर सकते हैं। तो उसी दौरान ये मैथ्यूज प्रिंसिपल है वो दिया गया था पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए, तो ये थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखो मैथ्यूज प्रिंसिपल ये कहता है कि जो जनसंख्या की ग्रोथ रेट होती है, जो पॉपुलेशन की बढ़ती है हमारी, उसमें बेसिकली जो रेट होती है वो होती है ज्योमेट्रिक रेट। ज्योमेट्रिक रेट का मतलब होता है कि जनसंख्या 1 से 2 होती है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 32, मतलब 6 से 32 होगी, 16 होगी, इस तरीके से मतलब बढ़ती जाती है। मतलब क्या हुआ, ऐसे नहीं कि 1, 2, 3, 4 नहीं बढ़ती है, क्योंकि पॉपुलेशन 1 से 2 हुए, 2 से फिर 4, 4 से 8 होते हैं, इस तरीके से मतलब धीरे धीरे पॉपुलेशन इस फॉर्म में बढ़ती है। जबकि जो भी हम खाने की जो फूड प्रोडक्शन है या जो फूड ग्रोथ है वो कैसे बढ़ती है, वो बढ़ती है अर्थमेटिक रेट से, मतलब 1, 2, 3, 4, जैसे कि इस साल 100 तो अगले साल 200, ऐसे इस फॉर्म में बढ़ती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो एक टाइम ऐसा आता है कि जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है वो तो बहुत ज्यादा हो जाती है और जो फूड ग्रोथ रेट है वो होती है बहुत कम, क्योंकि फूड ग्रोथ को काफी कम टाइम लगता है और जो काफी ज्यादा टाइम लगता है सॉरी, और पॉपुलेशन बहुत जल्दी से बढ़ती है। तो होगा क्या, एक टाइम ऐसा आएगा कि पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी जबकि फूड की ग्रोथ रेट है वो उतनी नहीं हो पाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज्यादा गैप क्रिएट हो जाएगा और उसकी वजह से दिक्कत ये आएगी कि जो भी जनसंख्या है उसको हम फूड प्रोडक्ट वो नहीं दे पाएंगे एक टाइम के बाद। जैसे देखो कि 3 साल के अंदर अभी यहाँ पे क्या है, देखो इसका एग्जाम्पल ले लो आप पहले पॉपुलेशन ग्रोथ का, 3 साल में मान लो कि हर साल पहले साल 1 थी, अगले साल 2, 2 से फिर 4, तो 3 साल में यहाँ पे होगी पॉपुलेशन 4, जबकि फूड प्रोडक्ट कैसे बढ़ रहे हैं, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो मतलब तीसरे साल में देखा तो 3 ही हुआ, यहाँ पे पॉपुलेशन होगी 4। तो आप देख सकते हो कि पॉपुलेशन के बीच में और जो ग्रोथ रेट है फूड की, इसके बीच में गैप क्रिएट होने लग गया। एक टाइम बाद क्या होगा, लगभग 6-7 साल बाद आप देखोगे डिफरेंस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो जो जनसंख्या होगी उसके लिए फूड सिक्योरिटी काफी मुश्किल हो जाती है, और इसी सब को रेगुलेट करने के लिए मैथ्यूज प्रिंसिपल के बारे में बात हो की गई थी। तो ये चीज यही शो करती है मैथ्यूज प्रिंसिपल कि भाई जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है और जो फूड ग्रोथ है वो एक तरीके से नहीं बढ़ती, उन दोनों के बीच में गैप बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के लिए आप बोल सकते हो कि हमारी फूड चेन के लिए खतरा बन जाता है। तो वो बातें यहाँ पे बताएगी, तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि मैथ्यूज प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है, यूपीएससी पूछ सकती है गरीबी वगैरह किससे, तो हमें ध्यान रखना कि नहीं, ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और फूड ग्रोथ को लेके बेसिकली है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है बेसिकली स्पिटज टेलीस्कोप के बारे में। तो देखते हैं कि स्पिटज टेलीस्कोप है क्या। देखो पहली चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि स्पिटज जो टेलीस्कोप है ये बेसिकली नासा का है, और अभी आपको बताऊं कंटेक्स्ट ये है कि जो स्पिटजर टेलीस्कोप है इसको 2003 में लॉन्च किया गया था और अभी इसको 15 साल कंप्लीट हो गए हैं और इसने काफी अच्छा रिजल्ट दिया है, तो ये बेसिकली कंटेक्स्ट आया है। तो हमें एक तो ये चीज ध्यान रखनी है कि स्पिटजर टेलीस्कोप नासा का है, ये तो एक मेज द फॉलोइंग का क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद में इसका क्या था, इस टेलीस्कोप का काम, टेलीस्कोप का काम यही था कि जो भी प्लेनेटरी बैकयार्ड है इसके बारे में स्टडी करना, स्टार्स की स्टडी करना कैसे वो बने हैं, इसके साथ ही जो यूनिवर्स है उसकी स्टडी करना कि किस तरीके से तो वो बना था, क्या क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं, इसी के साथ ही जो ब्रह्मांड के अंदर एक्स रेज होती हैं, गामा रेज होती हैं, इनकी वेवलेंथ है उनके बारे में स्टडी करना, उनकी वेवलेंथ की हेल्प से जो ब्रह्मांड के बीच में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं अभी, जो भी रहस्य हैं उनके बारे में पर्दाफाश करने के लिए बेसिकली इस टेलीस्कोप का यूज है वो करना था। 2003 में इस मिशन को नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था और अभी इसको इतने साल कंप्लीट हो गए हैं, 12 साल, उसको लेके भी कॉन्टेक्ट आया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है होराइजन 2020 के बारे में। तो जो होराइजन 2020 है ये बेसिकली यूरोपियन यूनियन और इंडिया का एक कोलैबोरेशन है। इसमें होगा क्या, रिसर्च और इनोवेशन पे फोकस किया जाएगा ताकि हम नेक्स्ट जनरेशन की जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है ना, जैसे कि H1N1 जो हुआ, H2N15 हुआ, इस तरीके के जो वैक्सीन जो इन्फ्लुएंजा होते हैं इनसे निपटने के लिए वैक्सीन है वो क्रिएट करना, मतलब एडवांस लेवल की हम नेक्स्ट जनरेशन के वैक्सीन है वो डेवलप है वो किए जाएंगे यूरोपियन यूनियन और इंडिया की कोलैबोरेशन से। नई रिसर्च पे फोकस किया जाएगा, नई इनोवेशन पे फोकस करते हुए एक अफोर्डेबल दवाई है वो क्रिएट की जाएगी ताकि लोगों को सस्ती रेट में दवाई है वो भी मिल सके, क्योंकि देखो आज के टाइम पे जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है ना, इसका इन्फ्लुएंजा डिजीज बोल सकते हो आप, इनका खतरा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, नई नई इन्फ्लुएंजा जनरेट हो रही है। आप देखते हो H5N1, H5N1, बर्ड फ्लू, इस तरीके की नई नई वैक्सीन है उनके लिए हमें बनाने पड़ रहे हैं, और ये क्या होते हैं ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड लेवल पे काफी महंगे भी मिलते हैं, लोगों को इजिली एक्सेसिबल नहीं होते, और इसीलिए जो होराइजन 2020 मिशन चलाया गया है यूरोपियन यूनियन
और इंडिया की हेल्प से, ताकि भाई जो मेडिसिन है वो लोगों को अफोर्डेबल रेट पे मिले वर्ल्ड वाइड, और इसी के साथ ही नई एडवांस लेवल की मेडिसिन मिले, ताकि उनकी एफिशिएंसी काफी अच्छी हो और लोगों का उनका बहुत अच्छा रिजल्ट है वो मिले। तो इसमें बेसिकली होगा क्या, इंडिया और यूरोपियन यूनियन वो दोनों 15-15 मिलियन यूरोज है वो इन्वेस्ट करेंगी, और इंडिया का बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे सपोर्ट है वो करने वाला है। नई एडवांस लेवल की जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है उनको जनरेट किया जाएगा, ताकि फ्यूचर में जो भी डिजीज हो उनसे हम रोक सके, उनको हम कहीं ना कहीं कवर कर सके। और अहम बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये मैं भी इस पॉइंट को हम यूज कर सकते हैं, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो तीसरा टारगेट है कि अच्छी हेल्थ या हेल्थ को इंश्योर करने की बात की गई है उसमें, उसके अंदर काफी हेल्पफुल ये साबित है वो होने वाला है। इसी के साथ ही इंडिया का जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसके अंदर भी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है उनको भी यूज है वो किया जाएगा, ताकि इंडिया के अंदर भी ऐसी डिजीज को रोका जा सके। तो ये था बेसिकली न्यूज। देखो जो कल की न्यूज है वो कल एक्चुअली माइक खराब हो गया था, तो उसकी वजह से हमारी डिस्कशन है वो नहीं हो पाई थी, तो आज हम कल की डिस्कशन को कंटिन्यू कर देंगे। तो उसके लिए दोपहर के आसपास एक अलग से वीडियो पब्लिश कर दिया जाएगा करंट अफेयर के नाम से, उसमें कल की डिस्कशन है उसको ऐड है वो क्या जाएगा। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ई सिगरेट के बारे में जाना कि ई सिगरेट है उसमें निकोटिन का यूज किया जाता है। इसके साथ ही हमने देखा कि एशियन इलेक्ट्रोल स्टेक होल्डर फोरम है उसका फोर्थ एडिशन श्रीलंका में होस्ट किया गया था, और पहली बार साउथ एशिया के अंदर बेसिकली होस्ट है वो की गई है, इसमें एशियन कंट्रीज ही वो पार्टिसिपेट करती है। इसके साथ ही हमने देखा था कि लखवार मल्टीपल प्रोजेक्ट है वो यमुना रिवर पे बनाया जा रहा है, इसकी जो पावर जनरेट की जाएगी इस प्रोजेक्ट के थ्रू वो तो यूज की जाएगी उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा, और बाकी जो सिंचाई वगैरह है वो 6 स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट है वो की जाएगी। इसके साथ ही हमने देखा कि मैथ्यूज जो प्रिंसिपल है वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और फूड ग्रोथ रेट के बीच में वेरिएशन को समझाता है, कि भाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किस तरीके से बढ़ती है और फूड ग्रोथ रेट वो कैसे बढ़ती है। इसके साथ ही हमने देखा कि स्पिट्जर जो टेलीस्कोप है वो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था ब्रह्मांड के जो भी रहस्य हैं प्लेनेटरी बॉडीज हैं इनके बारे में स्टडी के लिए, उसको भी 15 साल हो गए हैं। इसी के साथ हमने ओराइजन 2020 मिशन देखा जो कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया का एक कोलैबोरेशन है, ताकि नेक्स्ट जनरेशन की जो एडवांस फॉर्म की इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है उनको जनरेट किया जा सके और वर्ल्ड वाइड लेवल पे लोगों को अफोर्डेबल रेट पे दी जा सके। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।